बिग बॉस सीजन 13 में नजर आ रही हैं गोपी बहू यानी कि देवोलीना भट्टाचार्य, जो इस वक्त ट्विटर पर तो बिल्कुल ही छा चुकी हैं और उन्हें लेकर एक हैशटैग फॉलो करते हुए बहुत से उनके हेटर्स इस वक्त नजर आ रहे हैं और ये हैशटैग है बहू बनी डायन। जी हाँ, गोपी बहू के किरदार से ही तो देवोलीना ने पहचान हासिल की थी। ये किरदार बहुत ही बेहतरीन बहू का था, जो एक संस्कारी बहू, परफेक्ट बहू के तौर पर ही लोगों के दिलों में छा गई थी। लेकिन देवोलीना का अब बिग बॉस सीजन 13 में रियल रूप नजर आ रहा है और इस रूप को दे दिया जा चुका है नाम डायन का। तो हुई ना बहू बनी डायन। लेकिन बता दें कि देवोलीना का ये रूप क्या नजर आ रहा है। भाई देवोलीना यहाँ पर गुस्से होती हुई अपने सभी को कंटेस्टेंट से नजर आ रही है, क्योंकि वो टास्क खेलना चाहती है लेकिन उन्हें कोई टास्क खेलने दे नहीं रहा है। यहाँ हाल ही में शो में देखा गया था कि स्नेक एंड लेडर का टास्क रखा गया, जहां पर अपने आप को नॉमिनेशन से बचाने की यहाँ पर प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन ऐसे में आ गई बहुत ही बड़ी मुसीबत, तो ये कि सिद्धार्थ और पारस फिर से भिड़ गए। सिद्धार्थ शुक्ला यहाँ पर हर किसी की सीढ़ियों को तोड़ते फोड़ते हुए नजर आए, लेकिन देवोलीना इस बीच कुछ भी नहीं कर रही थी। लेकिन सिद्धार्थ ने जब उनके साथ ये हरकत की तो उन्हें गुस्सा आ गया। सिद्धार्थ के साथ वो लड़ाई झगड़ा कर ही रही थी, शहनाज बीच में आ गई और शहनाज जब देवोलीना को रोकने लगी तो इन दोनों के बीच भी तू तू मैं शुरू हो गई। लेकिन शहनाज ने उठाई बकेट और सीधा पानी फेंक दिया उन्होंने देवोलीना पर। देवोलीना ने ना आओ देखा ना ताओ और झट से मार दिया थप्पड़ उन्होंने शहनाज को, और ये झगड़ा आगे बढ़ता ही चला गया। और ये झगड़ा एक बार फिर से देखने को मिला जो उसके नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया गया। ये नेक्स्ट एपिसोड और भी ज्यादा धमाकेदार रहा, क्योंकि यहाँ देवोलीना ने किचन वॉर शुरू कर दी। यहाँ पर जो उन्हें ब्रेकफास्ट पहले बनाना चाहिए था घर वालों के लिए, वो उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं बल्कि लंच की तैयारी पहले शुरू कर दी। अपना पेट वो भर चुकी थी, अपने साथियों का पेट वो भर चुकी थी, लेकिन जो उनकी ओपोनेंट टीम थी उनको आ गया इस बात पर गुस्सा, जो कि देवोलीना के हाथ का खाना नहीं खाना चाहते, वो अपना खाना अपना ब्रेकफास्ट बनाना चाहते थे। लेकिन देवोलीना ने उन्हें किचन में आने की इजाजत दी ही नहीं और बोल दिया कि तुम खाना तब तक नहीं बना पाओगे जब तक मैं अपनी तैयारी पूरी ना कर लूं। और इस बीच हो गई बहुत ज्यादा लड़ाई और यहां पर ये लड़ाई तू-तू मैं-मैं के साथ साथ हाथापाई में भी बदल गई, जहां पर किचन का सामान फेंका जा रहा था, खाने को वेस्ट किया जा रहा था, सब चीजों को तहस नहस किया जा रहा था। तो आसिम रेस के साथ, सिद्धार्थ शुक्ला के साथ, हर किसी के साथ देवोलीना की लड़ाई होती हुई नजर आई। पूरी तरह से टीम बढ़ चुकी थी तो वहीं लड़ाई इस हद तक भी पहुंचती हुई दिखाई दी थी शो के अंदर कि आसिम रेस ने साफ तौर पर मना कर दिया कि वो देवोलीना को रोटियां नहीं देंगे। वो भूखी है तो भूखी मर जाए, लेकिन आसिम को इस बात से बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। घर वालों के कहने पर उन्होंने देवोलीना को रोटी देना चाहिए तो जरूर, लेकिन बहुत ही बुरे तरीके से। लेकिन देवोलीना जो घर के अंदर बेवजह लड़ाई और झगड़े करती हुई सामने आ रही है और इंसानियत भी फिलहाल दिखाती हुई नजर नहीं आ रही है, इस ही वजह से उनके फैंस अब उनके हेटर बन गए हैं। जो कि उन्हें संस्कारी बहू मानते थे अब उन्हें डायन मानने लगे हैं। देवोलीना का पूरी तरह से बर्ताव नजर नहीं आ रहा, बहू के किरदार का नजर आ रहा है, तो वो रियल। क्या कहना है इस बारे में आप सभी का, कमेंट करके जरूर बताएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ना जाए।